सभी को मेरा नमस्कार। आज हम लोग जिस टॉपिक पर बात करने के लिए एकत्रित हुए हैं वो है ट्यूरियल का नैतिक विकास का सिद्धांत। ट्यूरियल के हम लोग नैतिक विकास में मेनली कोलबर्ज को जानते हैं ना, कोलबर्ज मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी सबसे ज्यादा पॉपुलर है। इसके अलावा पियाजे फ्राइड का भी चलता है, ट्यूरियल थोड़ा लेस पॉपुलर है लेकिन बहुत लॉजिकल बात इन्होंने की है, जब हम इनके बारे में पढ़ेंगे तो समझेंगे। ट्यूरियल के मॉरल डेवलपमेंट की थ्योरी को हम सोशल डोमेन थ्योरी के नाम से जानते हैं। तो आइए देखते हैं क्या है। हिज रिसर्च फोकसेस, ये ट्यूरियल साहब हैं, हिज रिसर्च फोकसेस ऑन सोशल एंड मॉरल डेवलपमेंट। इन्होंने जो अपना अनुसंधान कार्य किया वो मेनली सामाजिक और नैतिक विकास पर आधारित है या नैतिक विकास को फोकस करता है। ही हैज फॉर्मुलेटेड अ थ्योरी ऑफ डोमेन्स ऑफ सोशल डेवलपमेंट। इन्होंने एक जो सिद्धांत हमको दिया उसमें उन्होंने कई आयाम बताए, किसके, सामाजिक विकास के। तो उस सामाजिक विकास के आयाम में ही इन्होंने मॉरल जजमेंट को कवर किया है। देखिए, इन्वॉल्विंग द डेवलपमेंट ऑफ मॉरल जजमेंट, जब ये सोशल डेवलपमेंट की बात करते हैं तो उसमें ही मॉरल जजमेंट का डेवलपमेंट आ जाता है। मॉरल जजमेंट में इन्होंने किन क्राइटेरिया को लिया है, बेस्ड ऑन कॉन्सेप्ट्स ऑफ, कौन कौन से कॉन्सेप्ट मॉरल जजमेंट में कवर किए हैं, वेलफेयर है ना, कल्याण, जस्टिस, हम न्याय करेंगे, एंड राइट्स और अधिकारों की बात, एंड देयर डिस्टिंक्शन थ्रू आउट डेवलपमेंट, और उसको अलग रखना है किससे, विकास की प्रक्रिया में हमको डेवलपमेंट ऑफ मॉरल जजमेंट को डिस्टिंक्ट करना है किससे, फ्रॉम अंडरस्टैंडिंग्स ऑफ द कन्वेंशंस एंड कस्टम्स ऑफ सोसाइटीज। जो समाज में कस्टम चला रहा है, कन्वेंशन के रूप में जो चीजें चली आ रही हैं उसको इन्होंने मॉरल जजमेंट से अलग किया है। ये इनकी थ्योरी की सबसे खास बात है, एज वेल एज फ्रॉम एरिनाज ऑफ पर्सनल ज्यूरिस्डिक्शन, मतलब व्यक्तिगत रूप से, सामाजिक रूप से जो हम काम करते हैं वो नैतिक निर्णयों से अलग है, इसी को समझना है हमको। सोशल डोमेन थ्योरी हैज बीन अप्लाइड एक्सटेंसिवली इन प्रोग्राम्स ऑफ मॉरल एजुकेशन। जो इनकी सोशल डेवलपमेंट थ्योरी है वो मॉरल एजुकेशन प्रोग्राम्स में अप्लाई की जाती है। ही हैज अप्लाइड द थियोरिटिकल अप्रोच टू द स्टडी ऑफ द रिलेशंस ऑफ मोरालिटी एंड कल्चर। इन्होंने हमको नैतिकता और कल्चर के रिलेशन को बताया है, समझाने की कोशिश की कैसे। हिज रिसर्च शोज दैट कल्चर्स आर नॉट होमोजिनस। हम लोग जानते हैं ना कि सभी कल्चर जो है वो होमोजिनस नहीं है, एक समान नहीं है, सब में कुछ ना कुछ विभिन्नता विशिष्टता है। एंड दैट डिफरेंट ग्रुप्स ऑन इन सोशल हायरार्कीज डिसएग्री ऑन हाउ टू अप्लाई कंसिडरेशंस ऑफ जस्टिस एंड क्वालिटी। मतलब कि जैसे जैसे कल्चर बदलेगा वैसे वैसे जस्टिस और इक्वालिटी का कंसेप्ट भी बदलेगा। फिर ट्यूरियल argued for a social domain approach to social cognition। इन्होंने एक social domain approach के लिए हमको तर्क करके बताया है कि कैसे social domain approach सही है, और इन्होंने ये चित्रित किया है, delineating how individuals differentiate। इन्होंने बताया हमको कि जो व्यक्ति है वो differentiate करता है, विभेदित करता है किसको, moral, जिसमें फिर इन्होंने लिया fairness, मतलब हमको निष्पक्ष होना है, समानता रखनी है, न्याय करना है। moral किससे differentiate करता है, societal से, यानी कि सामाजिक सरोकारों से नैतिक सरोकार भिन्न है, यही एक मूल बात पर हमको ध्यान देना है विशेष रूप से। तो सामाजिक सरोकार में कन्वेंशंस जो हम ऐसे ही फॉलो कर लेते हैं, कुछ चीजें, ग्रुप फंक्शनिंग, समूह में किस प्रकार से कार्य करना है, और ट्रेडिशंस जो परंपराएं चली आ रही हैं। एंड साइकोलॉजिकल मतलब मनोवैज्ञानिक, तो साइकोलॉजिकल में क्या आ जाएगा, पर्सनल और इंडिविजुअल प्रेरोगेटिव। तो इनके हिसाब से, किनके हिसाब से, ट्यूरियल के हिसाब से, हम जब जो सोशल डेवलपमेंट थ्योरी है वो पता, सोशल डोमेन थ्योरी है वो ये कहती है कि मोरालिटी जो है वो सोशल एस्पेक्ट्स और साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट से भिन्न है। ओके, इन दिस सोशल डोमेन अप्रोच, इनकी जो सामाजिक आयाम की अप्रोच है, उपागम है, उसमें मॉरल, कन्वेंशनल एंड पर्सनल, कहीं कहीं इसी को साइकोलॉजिकल लिखा है, जजमेंट्स आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम ईच अदर। ये बात आप समझ जाएंगे तो आप मॉरल डेवलपमेंट समझ जाएंगे, किसका, ट्यूरियल का, कि नैतिक, सामाजिक या कन्वेंशनल और पर्सनल या साइकोलॉजिकल जो है आयाम या जो निर्णय हैं वो एक दूसरे से भिन्न है, एंड कॉन्स्टिट्यूट सेपरेट डेवलपमेंटल पाथवेज। और इन सब के जो रास्ते बन रहे हैं विकास के वो अलग है, मॉरलिटी का अलग है, सोशल अलग है, और पर्सनल या साइकोलॉजिकल अलग है। इन कंट्रास्ट टू ग्लोबल स्टेज थियरीज आउटलाइन बाय लॉरेंस कोलबर्ज। देखिए, कोलबर्ज साहब जिनकी बहुत
अब मॉरल डेवलपमेंट की थ्योरी प्रचलित है ग्लोबली, पर ग्लोबल स्टेज थ्योरीज हैं, मतलब स्टेज थ्योरी, जैसे कि पियाजे ने कॉग्निटिव डेवलपमेंट की स्टेज थ्योरी बताई है, वैसे ही लॉरेंस कॉलबर्ज ने मॉरल डेवलपमेंट की स्टेज थ्योरी बताई है। तो वो कह रहे हैं इन कंट्रास्ट, विपरीत है किससे, कॉलबर्ज से, किस आयाम में, इन विच मोरालिटी इज व्यूड एज ए सीरीज ऑफ हायरार्कियल स्टेजेस, जिसमें कि कॉलबर्ज ने कहा है कि जो नैतिकता है उसको किस प्रकार से कॉलबर्ज ने देखा है। वो कह रहे हैं कि ये भी एक चरणबद्ध है कि हम पहले कम नैतिक है, फिर और नैतिक है, फिर और नैतिक, इस तरह से। मॉरल डोमेन थ्योरी प्रपोजेस दैट मॉरल रीजनिंग इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम अदर फॉर्म्स ऑफ सोशल नॉलेज। लेकिन ट्यूरियल कहते हैं कि जो हमारी नैतिक, हमारे में तर्क करने की क्षमता है, वो अलग प्रकार के सामाजिक ज्ञान, जैसे कि सामाजिक और मनोवैज्ञानिक ज्ञान से भिन्न है। ठीक है, ये इनका कॉलबर्ज से बिल्कुल कंट्रास्ट चल रहा है। इन हिज बुक, ड्यूरियल साहब ने जो किताब लिखी थी डेवलपमेंट ऑफ सोशल नॉलेज मोरालिटी एंड कन्वेंशन, 1983 की किताब है, बहुत पुरानी नहीं है, कि जो सामाजिक ज्ञान का विकास हो रहा है उसमें मोरालिटी हम अलग सीख रहे हैं, कन्वेंशन अलग सीख रहे हैं। इलियट ट्यूरियल आउटलाइन थ्री डोमेन्स ऑफ नॉलेज, अब तक हम लोग समझ गए, मॉरल, सोसाइटल एंड साइकोलॉजिकल। मॉरल में क्या है, प्रिंसिपल्स ऑफ हाउ इंडिविजुअल्स ought to treat one another, मतलब नैतिक ये हमको बताता है कि वो कौन से नियम है, वो कौन से सिद्धांत है जिनके अंतर्गत व्यक्ति को एक दूसरे के साथ व्यवहार करने आना चाहिए, ये चीज मोरालिटी होती है। जबकि सोसाइटल रेगुलेशंस हमको क्या कहता है, सोसाइटल रेगुलेशंस, हम सोसाइटल हमको क्या बताता है, रेगुलेशंस, वो नियम कानून जो बनाए गए हैं डिजाइंड टू प्रमोट, ताकि हम सुधार कर सकें, किसमें, द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ सोशल ग्रुप्स एंड इंस्टीट्यूशंस, हमारे जो सामाजिक समूह हैं, हमारी जो सामाजिक संस्थाएं हैं वो किस प्रकार से स्मूथली फंक्शन कर सकती हैं, इसके लिए जो रेगुलेशन बनाया गया वो सोसाइटल है। हमें पहले खुद में अंतर करना समझना चाहिए। हम जनरली ये कॉलबर्ज का जब मॉरल डेवलपमेंट पढ़ते हैं तो हमको एक जैसे ही लगती है सोसाइटल और मॉरल जजमेंट्स, जबकि दोनों अलग हैं। मॉरल में हमको ये करना है कि हाउ इंडिविजुअल्स ऑट टू ट्रीट, किस प्रकार से हमें दूसरे व्यक्ति के संग व्यवहार करना है, जबकि सोसाइटल क्या है कि किस प्रकार से सामाजिक जो संस्थान है वो बेहतर तरीके से चल सके, एंड द साइकोलॉजिकल मनोवैज्ञानिक है एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ सेल्फ, हम खुद को कैसे समझ रहे हैं, दूसरों को कैसे समझ रहे हैं, एंड बिलीव्स अबाउट ऑटोनॉमी एंड इंडिविजुअलिटी, स्वायत्तता और वैयक्तिकता को लेकर जो बिलीफ है वो सब साइकोलॉजिकल में आ रहा है। फिर बिगिनिंग इन अर्ली चाइल्डहुड, बचपन से ही शुरू हो जाता है, चिल्ड्रन कंस्ट्रक्ट, बालक बनाता है, निर्माण करता है, किसका, मॉरल, सोसाइटल एंड साइकोलॉजिकल कंसेप्ट्स, और सबसे खास बात इन पैरेलल, समानांतर रूप से विकसित हो रहा है नैतिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक कंसेप्ट बालक के अंदर, किसके हिसाब से, ट्यूरियल के हिसाब से, रादर देन इन सक्सेशन, जबकि सक्सेशन में नहीं है कि साइकोलॉजिकल हो गया, फिर सोशल हो गया, फिर मॉरल हो गया, इस तरह से नहीं है, बल्कि पैरेलल है, एज इज प्रपोज बाई ग्लोबल स्टेज थ्योरी, जो कि हमको कॉलबर्ज ने अपनी ग्लोबल स्टेज थ्योरी में सक्सेसिव स्टेजेस बताई थी, इन विच चिल्ड्रन आर फर्स्ट सेल्फिश, वो कहते हैं ना बालक क्या है, पहले तो स्वार्थी है, देन ओरिएंटेड टू फैमिलियल एंड सोसाइटल रेगुलेशन, तब वो सामाजिक बनता है, पारिवारिक बनता है, एंड देन फॉर्मुलेटिंग प्रिंसिपल्ड मोरालिटी एंड एडोलेसेंस, फिर वो कहते हैं जब वो किशोरावस्था तक पहुंचता है तब उसमें नैतिकता का विकास हो जाता है अकॉर्डिंग टू कॉलबर्ज। जबकि ट्यूरियल क्या कह रहे हैं कि बचपन से हम तीन प्रकार के विभिन्न आयामों को पैरेलली डेवलप करते हैं, मॉरल, सोसाइटल एंड साइकोलॉजिकल। ओके, फिर अकॉर्डिंग टू मॉरल डोमेन थ्योरी द मोरालिटी इंक्लूड्स कॉन्सेप्ट्स ऑफ, तो मोरालिटी में कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स आएंगे, फिजिकल हार्म कि किसी को चोट नहीं पहुंचानी है, साइकोलॉजिकल हार्म मनोवैज्ञानिक भी कष्ट नहीं देना है, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज कि जो संसाधनों का वितरण है वो कैसा होगा, फ्रीडम्स स्वतंत्रता की बात, राइट्स अधिकारों की बात, ये सब मोरालिटी में आ रहा है। सिंस द 1980s एक्सटेंसिव एम्पिरिकल रिसर्च हैज डेमोंस्ट्रेटेड द मल्टीपल वेज इन विच चिल्ड्रन एडोलेसेंट्स एंड एडल्ट्स evaluate social events using these categories of knowledge, यानी कि 1980 में इनकी किताब आई है तो वही 1980 से ये बहुत researches हुई और जिसमें ये demonstrate किया गया कि बहुत तरीके हैं जिनसे बालक, किशोर और वयस्क evaluate करते हैं social events को, किस हिसाब से, यही जो इनकी तीन categories of knowledge है, moral, societal और psychological।
ओके फिर रिसर्चर्स हैव आइडेंटिफाइड, रिसर्चर्स ने हमको ढूंढ कर बताया है कि सोशल नॉलेज डोमेन्स यूजिंग ए सेट ऑफ क्राइटेरिया, जो सोशल नॉलेज डोमेन है वो एक सेट ऑफ क्राइटेरिया यूज करता है दैट डिफाइन ईच डोमेन, जो कि ईच डोमेन कौन कौन से ईच डोमेन अब तक हमको याद हो जाना चाहिए, मॉरल, सोसाइटल एंड साइकोलॉजिकल, एंड जस्टिफिकेशंस दैट रिवील द अंडरलाइंग रीजनिंग अबाउट इश्यूज विद इन द डोमेन, यानी हर डोमेन का इश्यू अलग है, जस्टिफिकेशन अलग है. फॉर द मॉरल डोमेन फॉर एग्जाम्पल, जब अगर हम नैतिक आयाम की बात करेंगे तो क्या होगा, फॉर द इश्यू ऑफ फिजिकल हार्म, है ना, इसका ये एग्जाम्पल अभी आगे के टेक्स्ट में मिलेगा. यहां भी समझ लीजिए कि एक इंटरव्यूअर है, वो एक बच्चे से पूछता है कि वेदर वुड बी ओके टू हिट इफ ए टीचर डिड नॉट हैव ए रूल अगेंस्ट हिटिंग. वो कहता है कि अगर टीचर ने ये नियम नहीं बनाया है कि किसी को मारना नहीं है तो क्या किसी को मारना उचित है. टीचर को यहां अथॉरिटी ले लीजिए, ज्यूरिसडिक्शन ले लीजिए, वेदर द रूल कुड बी चेंज, क्या रूल चेंज किया जा सकता है, वेदर द रूल अप्लाइज इन अदर सेटिंग्स. देखो कितने सारे कॉन्सेप्ट है, अल्टरेबिलिटी, जनरलाइजेबिलिटी, वेदर इट इज रॉन्ग टू हिट समवन इफ देयर इज नो पनिशमेंट. वो कह रहे हैं क्या किसी को मारना सही है अगर इसके लिए कोई हमको सजा नहीं तय की गई है, एंड वेदर द एक्ट वॉज रॉन्ग इफ देयर वॉज नो रूल अबाउट इट, और क्या ये एक्ट गलत था किसी को मारना अगर इसके लिए कोई नियम नहीं है. तो चिल्ड्रेन एज यंग एज 3.5 years ऑफ एज, जिन्होंने रिसर्चेस करके बताया कि 3, 3.5, 4 साल के बच्चे, ये क्राइटेरिया उनके पास होता है कि टू इवेलुएट मॉरल ट्रांसग्रेशंस, वो ये तय कर पाते हैं कि क्या उचित है क्या नहीं. कैसे, इन एडिशन मॉरल डोमेन मेथडोलॉजी इन्वॉल्व्स एनालाइजिंग द टाइप्स ऑफ रीजंस, जो मतलब उन्होंने बच्चों से पूछा कि ऐसा करना सही है, इसके लिए नियम है, इसके लिए नियम नहीं है, तो अभी आपको आगे क्लियर हो जाएगा. तो उनके पास वो कारण हैं, इंडिविजुअल्स गिव फॉर देयर इवैल्यूएशंस ऑफ एक्ट्स एंड ट्रांसग्रेशंस, जो वे बताते हैं कि ये काम करा जा रहा है तो इसके पीछे क्या रीजन है. स्टडीज हैव डेमोंस्ट्रेटेड, बहुत सारी स्टडीज ने हमको डेमोंस्ट्रेट करके बताया है हाउ इंडिविजुअल्स अप्लाई द मॉरल डोमेन टू कॉम्प्लेक्स इश्यूज, कि कैसे जो व्यक्ति हैं वो नैतिक आयामों को कॉम्प्लेक्स इश्यूज के लिए यूज करते हैं. कैसे, सच एज दोज इन्वॉल्विंग कल्चरल एक्सपेक्टेशंस, है ना, कि सामूहिक सांस्कृतिक हमारी क्या अपेक्षाएं हैं, राइट्स अधिकार क्या हैं, एक्सक्लूजन, पेरेंट एडोलेसेंट कन्फ्लिक्ट, ऑटोनॉमी, एनवायरमेंटल इश्यूज, बुलिंग एंड इमोशंस, इतने जो कॉम्प्लेक्स इश्यूज हैं उसमें किस तरह से मॉरल डोमेन अप्लाई करते हैं इंडिविजुअल्स. फिर इन स्ट्रेट फॉरवर्ड सिचुएशंस चिल्ड्रेन एंड एडोलेसेंट्स गिव प्रायोरिटी टू मोरालिटी. अगर हम स्ट्रेट फॉरवर्ड स्थिति में रखकर सवाल पूछते हैं तो जो बालक होते हैं या किशोर होते हैं वो मोरालिटी को प्रायोरिटी देते हैं. इन कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस इंडिविजुअल्स वे अ नंबर ऑफ कंसिडरेशंस दैट टेक डिफरेंट प्रायोरिटी डिपेंडिंग ऑन द सेलियंस एंड एसोसिएटेड इंफॉर्मेशनल अजम्पशंस. ठीक, फिर आगे क्या कह रहे हैं, वेरी यंग चिल्ड्रेन, जो बहुत छोटे बालक हैं वो ये समझते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं दैट हिटिंग इज रॉन्ग, कि किसी को मारना गलत है. क्यों ऐसा समझते हैं, बिकॉज दिस एक्ट इन्वॉल्व्स, क्योंकि ये जो कार्य है इसमें क्या आता है, नेगेटिव इंट्रिंसिक कॉन्सिक्वेंसेस टू अदर्स. देखिए इस बात को ध्यान देने वाला है, नेगेटिव मतलब नकारात्मक आंतरिक परिणाम दूसरे के लिए निकल के आएगा ना, क्योंकि वो ये समझेंगे कि दूसरे को मारना गलत है. दिस इज ए कॉन्क्रीट ऑब्जर्वेबल कंसेप्ट दैट चिल्ड्रन एक्वायर थ्रू अ प्रोसेस ऑफ एक्सपीरियंस एब्स्ट्रैक्शन एंड इवेल्युएशन. तो ये जो कॉन्क्रीट है, मतलब ये एब्स्ट्रैक्ट नहीं, उन्होंने देखा है कि अगर किसी को मारो तो उसको चोट लगती है, तकलीफ होती है, दर्द होता है, तो ये एक ऑब्जर्वेबल कंसेप्ट है, प्रेक्षणीय कंसेप्ट है, जिसको कि चिल्ड्रन ने एक्वायर किया है. कैसे एक्वायर किया है, थ्रू ए प्रोसेस ऑफ एक्सपीरियंस, बहुत सारा अनुभव हुआ है, उन्होंने एब्स्ट्रैक्शन है, इवेल्युएशन किया है, तब ये निकल कर आया है कंसेप्ट. बाय द प्री स्कूल इयर्स, मतलब छोटे से बालक जो होते हैं अंडरस्टैंड व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू शेयर ऑब्जेक्ट्स, वो समझते हैं कि शेयर करना क्यों, शेयर ऑब्जेक्ट्स मतलब क्या ऑब्जेक्ट शेयर करेंगे, वो टॉयज शेयर करेंगे, रिफर्ड टू एज द फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, वो समझते हैं फेयर डिस्ट्रीब्यूशन. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज इज मोर कॉम्प्लेक्स देन इश्यूज अबाउट फिजिकल हार्म. देखो जो फिजिकल हार्म का कंसेप्ट है उससे ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज कॉम्प्लेक्स है. देखिए बहुत सारे ये हमको वो बता रहा है उसके पीछे रीजन क्या, बिकॉज देयर आर ए नंबर ऑफ फैक्टर्स टू वे, बहुत सारे इसमें कारक इन्वॉल्व है. कैसे कैसे, सच एज लेजिटिमेट क्लेम्स, ये किसका है, है ना, किसका कानूनी अधिकार है, किसका है ओनरशिप, मेथड्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, अगर बांटा जाएगा तो कैसे बांटा जाएगा, इतने सारे इसमें फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं, ये चीजें हम लोग ध्यान नहीं देते हैं. तो हम इस तरह से भी ट्यूटोरियल को समझ सकते हैं कि ये बता रहे हैं, चूंकि ये बता रहे हैं ना कि मोरालिटी और सोसाइटल और साइकोलॉजिकल सारे पैरेलली डेवलप हो रहे हैं, यानी कि बालक जो है इमोरल नहीं है, एमोरल नहीं है, जैसे कि कोलबर्ज और पियाजे हमको बताते हैं कि बालक में नैतिकता का विकास
प्री स्कूल ईयर्स में नहीं है, वो ये बताते हैं ना, बट ट्यूरियल ऐसा नहीं कह रहे हैं। फिर ड्यूरिंग मिडिल चाइल्डहुड चिल्ड्रेन अंडरस्टैंड दी रॉन्गफुलनेस ऑफ टीजिंग एंड एक्सक्लूजन, और बाय अर्ली एडोलेसेंस वो क्या सीख जाते हैं, एक्सक्लूजन फेयरनेस एंड राइट्स टेक ऑन अ मोर इलेबोरेटेड फॉर्म इन विच सॉरी issues surrounding the intergroup context as well as governmental and societal laws become quite salient. यानी कि जैसे जैसे वो बड़े होते जा रहे हैं प्री स्कूल से मिडिल स्कूल और फिर एडोलेसेंट, उनका ये कंसेप्ट और क्लियर होता जा रहा है। फिर कल्चर का रोल है, कल्चर इज इन्फ्लुएंशियल, कल्चर अपना रोल प्ले करता है हाउ इंडिविजुअल्स एक्वायर मॉरल कंसेप्ट्स, कि जो व्यक्ति है वो किस प्रकार से नैतिक कंसेप्ट्स को एक्वायर करते हैं एंड द टाइप्स ऑफ एक्सपीरियंसेस दैट लीड देम टू मेक मॉरल जजमेंट्स, और जो उनको एक्सपीरियंस मिल रहा है वो किस हिसाब से मिल रहा है, कल्चर के हिसाब से ना, तो वो किस प्रकार से मॉरल जजमेंट बनाएंगे, तो कहीं ना कहीं कल्चर जो है आपकी संस्कृति जो है वो इसके लिए जिम्मेदार है। देयर इज एक्सटेंसिव रिसर्च डॉक्यूमेंटिंग दैट इंडिविजुअल्स इन मैनी कल्चर्स यूज द सेम क्राइटेरिया टू आइडेंटिफाई मॉरल इश्यूज, तो ये देखा गया कि बहुत सारे कल्चर सेम क्राइटेरिया ही यूज करते हैं, कौन, क्योंकि मॉरल इश्यूज की आप पूरे वर्ल्ड में कहीं भी बात करेंगे तो जस्टिस आएगा उसमें, न्याय होना चाहिए, अदर्स वेलफेयर दूसरे का कल्याण अधिकार, इन्हीं सारी बातों के पर बात होगी ना, एंड दैट दीज कंसर्न्स आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम कन्वेंशनल रेगुलेशंस एंड ट्रेडिशंस, और ये जो सरोकार हैं वो सामाजिक रेगुलेशन और परंपराओं से भिन्न है। वाइल कल्चरल ट्रेडिशंस एंड कस्टम्स में इनबॉडी मॉरल कोड्स जैसे डू नॉट हार्म अदर्स, ये ग्लोबल हो गया ना, कहीं भी किसी भी आप संस्कृति में चले जाइए कोई ये नहीं कहेगा दूसरे को चोट पहुंचाओ, सभी कहेंगे कि दूसरे को चोट नहीं पहुंचाओ। मॉरल प्रिंसिपल्स आर नॉट डिफाइंड बाई कंसेंसस, जनमत की जरूरत नहीं पड़ेगी मॉरल प्रिंसिपल्स के लिए, उससे ये परिभाषित नहीं होते और एग्रीमेंट, ऐसा नहीं कि बहुत सारे लोग कह देंगे, अगर ज्यादा लोग ये कह देंगे कि नहीं दूसरे को मारना है तो ये सही नहीं हो जाएगा, है बट बाई रेफरेंस टू एन इंडिपेंडेंट सेट ऑफ मैक्सिम्स अबाउट हाउ इंडिविजुअल्स ऑट टू ट्रीट वन अदर, बल्कि एक इंडिपेंडेंट सेट है मैक्सिम्स का कि कैसे व्यक्तियों को दूसरे के साथ व्यवहार करना चाहिए। अंडरस्टैंडिंग कल्चरल एंड मॉरल नॉर्म्स इज एसेंशियल फॉर चिल्ड्रेन टू अचीव द गोल ऑफ बिकमिंग फुल मेंबर्स ऑफ कम्युनिटीज एंड सोसाइटीज, वो कह रहे हैं कि साहित्यिक और नैतिक नॉर्म्स को समझना छात्रों के लिए बालकों के लिए बहुत जरूरी है जिससे कि वो कम्युनिटीज और सोसाइटीज के फुल मेंबर्स मैच्योर मेंबर्स बन सके। अब मोरालिटी एंड कन्वेंशंस का कैसे इन्होंने डिस्टिंक्शन बताया, देखिए डोमेन थ्योरी हो गई इनकी, किसने दी है, इंट्रोड्यूस बाय इलियट ट्यूरियल, इनका पूरा नाम इलियट ट्यूरियल है एंड एसोसिएट्स मतलब उनके सहयोगियों ने, डिस्टिंग्विशेस विभेद करती है किसमें, मोरालिटी में फ्रॉम सोशल कन्वेंशन, इसको हम लोग ने कई बार बात हो गई कि नैतिकता को सामाजिक सरोकारों से भिन्न बताया गया, डिस्टिंक्ट डेवलपमेंटल फ्रेमवर्क्स, दोनों ही विशिष्ट विकास के फ्रेमवर्क हैं, जबकि कोलबर्ज ने क्या किया था, दोनों को मिला दिया था। फिर चिल्ड्रेन बिगिन टू ड्रॉ द डिस्टिंक्शन, जो ये बालक हैं वो ये डिस्टिंक्शन करना सीख जाते हैं एज दे ट्राई टू मेक सेंस ऑफ डिफरेंट सोशल एनकाउंटर्स, जब आप उनको दो तरीके की सिचुएशन देंगे तो वो विभेद कर पाएंगे कौन सा मॉरल है कौन सा सोशल है, इसका एग्जाम्पल अभी बस आने वाला जस्ट आपके सामने। दे डोंट सी ऑल रूल्स द सेम, वो उनको सारे नियमों को एक नहीं मानते हैं, जैसा कि कौन बताया था हमको, कोलबर्ज या पियाजे। दे बिगिन टू सी दैट सोशल ऑर्गेनाइजेशन रिक्वायर्स अ सेट ऑफ एग्रीड अपॉन एंड प्रिडिक्टेबल मोड्स ऑफ कंडक्ट। फिर ट्यूरियल सिंप्लीफाइड दी टेस्ट, देखिए ये टेस्ट आ गया जिससे आपको क्लियर हो जाएगा, उन्होंने क्या किया, चिल्ड्रन गिविंग देम स्टोरीज विद यस और नो प्रॉम्प्ट्स, उन्होंने बालकों को बच्चों को बहुत सारी कहानियां दी जिसका आंसर यस और नो में होना था। चिल्ड्रन एज यंग एज 5 मतलब 5 साल तक का बच्चा डिस्टिंग्विश कर पाया किसमें, सोशल कन्वेंशंस में, मतलब इट वुड बी ओके इफ दे चेंज द रूल्स। सोशल कन्वेंशन का क्या मतलब है कि हम इंट्रिंसिक उसका कोई कंसीक्वेंस नहीं है, हम उसको चेंज कर सकते हैं, मतलब उसमें अल्टरेबिलिटी है बट फ्रॉम मोरालिटी, लेकिन मोरालिटी के रूल्स चेंज नहीं होते हैं, ये नहीं कि आज डू नॉट हार्म अदर्स और कल डू हार्म अदर्स हो जाएगा, है ना, स्टिल रॉन्ग टू हर्ट समबडी, कुछ भी हो दूसरे को चोट पहुंचाना गलत है। मोरालिटी स्ट्रक्चर्ड बाई, जो मोरालिटी है जो नैतिकता है वो कैसे बनी है, कंसेप्ट्स ऑफ हार्म चोट मतलब कष्ट, वेलफेयर कल्याण एंड फेयरनेस मतलब निष्पक्ष,
दक्षता से. दे हैव इंट्रिंसिक इंटरपर्सनल कॉन्सिक्वेंसेस. सबसे खास बात कि आंतरिक पारस्परिक परिणाम उसके निकलते हैं, जबकि सोशल कन्वेंशन हैव नो इंट्रिंसिक इंटरपर्सनल कॉन्सिक्वेंसेस, है ना. फिर फॉर ट्यूरियल, ट्यूरियल ने कहा कि मॉरल रूल्स आर रिलेटेड टू जस्टिस, राइट्स एंड वेलफेयर. न्याय, अधिकार और कल्याण की बात जब होगी, पर्टेनिंग टू हाउ पीपल ऑट टू रिलेट टू ईच अदर, और लोगों को दूसरों के संग कैसे व्यवहार करना चाहिए, ये सब नैतिक नियम बताते हैं. फिर एन एग्जाम्पल, इस एग्जाम्पल से आप समझ लीजिए, एन एग्जाम्पल ऑफ द डिस्टिंक्शन बिटवीन मोरालिटी एंड कन्वेंशन इज गिवन इन द फॉलोइंग एक्सेप्ट. एक एक्सेप्ट आपको दिया गया है, इसमें क्या है, मॉरल इश्यू कैसे समझ में आ रहा है. देखिए, डिड यू सी वॉट हैपन, पूछा गया बच्चे से, 5 साल तक का बच्चा है, कि तुमने देखा क्या हुआ, तो उसने कहा यस देखा. दे वर प्लेइंग एंड जॉन हिट हिम टू हार्ड, उसने कहा वो लोग खेल रहे थे और जॉन ने उसको बहुत तेज मारा. इज दैट समथिंग यू आर सपोज टू डू और नॉट सपोज टू डू, तो उससे पूछा गया तो तुमको क्या लगता है कि उसको ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए. उसने कहा नॉट सो हार्ड टू हर, तो उसने कहा नहीं, इतनी जोर से नहीं मारना चाहिए. तो पूछा गया इज देयर अ रूल अबाउट दैट, उससे पूछा गया क्या ऐसा कोई नियम है, तो उसने कहा यस ऐसा नियम है. वॉट इज द रूल, पूछा गया नियम क्या है, तो वो बोलती है या बोलता है बच्चा, यू आर नॉट टू हिट हार्ड, मतलब ये नियम है कि आपको तेज नहीं मारना है. वॉट इफ देयर वर नो रूल अबाउट हिटिंग हार्ड, वो पूछ रहे हैं कि अगर क्या होता कि अगर ये नियम नहीं होता कि हमको तेजी से नहीं मारना है, वुड इट बी ऑल राइट टू डू देन, तब क्या ये सही होता तेजी से मारना. वो बच्चा बोलता है नो नहीं. पूछा गया क्यों नहीं, तो कहता है बिकॉज इट कुड गेट हर्ट एंड स्टार्ट, बिकॉज ही कुड गेट हर्ट एंड स्टार्ट टू क्राई, मतलब जो दूसरा है जिसको चोट लगी उसको चोट से चोट लग सकती थी और वो रोना शुरू कर सकता था. तो ये मॉरल इश्यू है, मतलब नियम ऑल्टरेबल नहीं है, नियम नहीं भी है अगर ऐसा कोई, जन्मत नहीं भी है, बहुत से लोग नहीं भी कह रहे हैं कि वो सही है, तब भी वो चीज अगर उसमें जस्टिस, फेयरनेस और वेलफेयर का कंसेप्ट है तो वो मॉरल इश्यू है. जबकि कन्वेंशनल इश्यू में ऑल्टरेबिलिटी है, आप उसे चेंज कर सकते हैं. जैसे डिड यू सी वॉट जस्ट हैपेंड, पूछा गया कि तुमने देखा क्या अभी हुआ, उसने कहा हाँ देवर नॉइजी, वो लोग बहुत शोर कर रहे थे. इज दैट समथिंग यू आर सपोज टू और नॉट सपोज टू डू, तो वो कहता है कि क्या ये ऐसा चीज है जिसको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो कहती है, कहता है नॉट डू. इज देयर अ रूल अबाउट दैट, पूछा जाता है क्या इसके लिए कोई नियम है, तो वो बच्चा रिप्लाई करता है यस वी हैव टू बी क्वाइट, यस नियम है कि हमें शांत रहना चाहिए. वॉट इफ देयर वर नो रूल, पूछा जाता है क्या होता अगर नियम ना होता, तो वुड इट बी ऑल राइट टू डू देन, तो क्या ऐसा करना चाहिए था, तो वो कहती है यस. पूछा जाता है क्यों, कहता है बिकॉज ऐसा कोई नियम नहीं है. यानी कि कन्वेंशनल इश्यू में कोई इंट्रिंसिक इंटरपर्सनल कॉन्सिक्वेंस का इश्यू नहीं आ रहा है, इसलिए नियम चेंज किए जा सकते हैं. और एक 5 साल तक का बच्चा भी अगर उसको डिफरेंट सिचुएशंस दी जाती हैं तो वो मॉरल इश्यू और कन्वेंशनल इश्यू में विभेद कर सकता है. इसका मतलब कि ये सक्सेसिव स्टेजेस नहीं है, जबकि कैसी स्टेजेस है, पैरेलल. ठीक है. फिर डोमेन थ्योरी हेल्प्स एक्सप्लेन सम ऑफ द एनोमलीज इन कोलबर्ट्स थ्योरी. तो कोलबर्ट्स की थ्योरी ने कई एनोमलीज है जिनको एक्सप्लेन करने में हेल्प की डोमेन ने. उन्होंने कहा कि चिल्ड्रेन आर एक्चुअली वर्किंग इन डिफरेंट डोमेन, जो बालक हैं वो एक्चुअली विभिन्न आयामों में काम करते हैं. वन दैट फोकसेस ऑन फेयरनेस एंड हार्म, एक जो है वो फेयरनेस एंड हार्म पे फोकस करता है, और अनदर दैट इंक्लूड्स रिलेशनशिप्स विद अथॉरिटी, और दूसरा जो है वो हमारा जो अथॉरिटी है उसके संग रिलेशनशिप उसके अंतर्गत आता है, जैसे एडल्ट हो गए, पेरेंट हो गए, टीचर हो गए, ऑटोनॉमी, कितना हमको फ्रीडम है कितनी नहीं है, एंड रूल्स दैट फैसिलिटेट लोकल सोशल ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है. फिर इन्होंने डिफरेंट डोमेन्स के लिए क्राइटेरिया भी बताए हैं. कैसे, मॉरल डोमेन के लिए क्या है, मॉरल डोमेन इज रिलेटेड टू कंसर्न फॉर राइट्स, जस्टिस एंड वेलबींग. इसमें सरोकार हमारा यह है कि अधिकारों की रक्षा होनी चाहिए, न्याय मिलना चाहिए और वेलबींग हो, है ना. इट्स क्राइटेरिया, और इसका क्राइटेरिया, ये तो कंसर्न है, क्राइटेरिया क्या है, जनरलाइजेशन विद रिस्पेक्ट टू सोशल कॉन्टेक्स्ट, यानी कि हम इसको रिपीट कर सकते हैं बड़ी पॉपुलेशन पे. फिर ऑब्लिगेटरीनेस, मतलब ऑफ एग्जीक्यूटिंग नॉट एग्जीक्यूटिंग इन एक्शन, मतलब कोई काम करना है या नहीं करना है. फॉलोइंग या नॉट फॉलोइंग ये रूल, मतलब कि नियम मानना है या नहीं मानना है. इनऑल्टरेबिलिटी एंड इंडिपेंडेंस ऑफ रूल्स एंड अथॉरिटी, यानी अपरिवर्तनीय है रूल्स और अथॉरिटी से इंडिपेंडेंट, मतलब कि जरूरी नहीं कि टीचर आके बोलेगा कि हमको दूसरे को नहीं मारना है तभी नहीं मारना है, वो इनऑल्टरेबल है. इट इज नॉट नेसेसरी टू हैव अ रूल और अथॉरिटी स्टिपुलेट इफ द एक्शन इज सर्टेन और नॉट, ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि कोई अथॉरिटी आपसे आकर कहेगी कि आपको ये काम करना है या नहीं करना है, ये इंट्रिंसिक होना चाहिए. जस्टिफिकेशंस ऑफ मॉरल डोमेन रिफर टू द इंट्रिंसिक कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द एक्ट फॉर द वेलफेयर और राइट ऑफ अदर्स, है ना. ये हमारा आंतरिक परिणाम हमको पता होना चाहिए कि दूसरे का कल्याण और दूसरे के अधिकार की रक्षा करनी है, उसके लिए कोई नियम है या नहीं है,
ये जरूरी नहीं है। ऑन दी अदर हैंड जब हम कन्वेंशनल डोमेन की बात करते हैं तो यहां क्या क्राइटेरिया आ जाता है, कंटेक्चुअल रिलेटिविटी यानी कि हम सापेक्षता का सिद्धांत देखेंगे, ऑल्टरेबिलिटी यानी कि जगह बदलने के संग नियम बदल भी जाएंगे, एंड डिपेंडेंस ऑन रूल्स और अथॉरिटीज। और जब हमको अथॉरिटी का भय होगा तो हम करेंगे, नहीं होगा तो हम नहीं भी करेंगे। दी कन्वेंशनल डोमेन इज जस्टिफाइड बेस्ड ऑन रेफरेंसेस टू अथॉरिटी, यहाँ अथॉरिटी इंपॉर्टेंट है, टू सोशल एक्सपेक्टेशंस हमारे पास सामाजिक अपेक्षाएं हैं, टू आर्ग्यूमेंट्स फॉर मेंटेनिंग द ऑर्गेनाइजेशन एंड सोशल ऑर्डर की अगर ऐसा नहीं करोगे तो सोशल ऑर्डर डिस्टर्ब हो जाएगा, इसलिए किया जाता है। जबकि पर्सनल डोमेन में क्या है, दी पर्सनल डोमेन इन टर्न रिफर्स टू दी अंडरस्टैंडिंग ऑफ पीपल एट साइकोलॉजिकल सिस्टम्स, जबकि जो हमारा वैयक्तिक आयाम है उसमें हम मनोवैज्ञानिक सिस्टम की बात करते हैं, जैसे इंक्लूडिंग नॉलेज अबाउट वंस ओन बिहेवियर एंड दैट ऑफ अदर्स, मतलब हम अपना व्यवहार कैसा है, दूसरे का व्यवहार कैसा है, और कंस्ट्रक्शन ऑफ कंसेप्शंस ऑफ सेल्फ, स्व की व्याख्या हो रही है, पर्सनैलिटी की बात हो रही है, आइडेंटिटी की बात हो रही है, एज वेल एज अटेम्प्ट्स टू अंडरस्टैंड साइकोलॉजिकल कॉजेज एंड इंफॉर्मेशन, यानी कि सब कुछ यहां पे मनोवैज्ञानिक चल रहा है। इट इनकंपासेस एक्शंस कंसीडर्ड टू बी आउटसाइड द स्कोप ऑफ सोशल रेगुलेशन, यानी कि यहां सोशल रेगुलेशन की बात नहीं है, सोशल रेगुलेशन के स्कोप से आगे निकलकर हम स्वयं की बात कर रहे हैं, और मतलब सोशल रेगुलेशन और मॉरल कंसर्न की बात ही नहीं है यहाँ पे, बिकॉज एज इट इनकंपासेस क्वेश्चंस ऑफ प्रेफरेंस एंड हूज कॉन्सिक्वेंसेस ओनली इफेक्ट प्राइमरीली इट्स एग्जीक्यूटर, मतलब यहाँ प्रेफरेंस की बात है क्योंकि अपनी बात है, अपने साथ वाले की बात है, इसलिए सिर्फ इसका परिणाम उसको प्रभावित करता है जो इसको कर रहा है, मतलब इसमें सोसाइटी इन्वॉल्व नहीं है, इसमें मोरालिटी इन्वॉल्व नहीं है, पूरा बिगर कॉज इन्वॉल्व नहीं है ना। रूल्स अबाउट इश्यूज assist as personal domain are not recognized by individuals, so their violations are just as not wrong. मतलब इसमें preference है ना, हमारा अपने के लिए है, तो इसमें सही गलत की बात नहीं है, then violations of rules of the moral or social domains. मतलब moral और social domain के rules के violations की अपेक्षा यहाँ अगर हम violation करते हैं तो उतना गलत नहीं है या कम गलत है, ठीक है। तो ट्यूरियल का मॉरल डेवलपमेंट में आपको ये कई खास बातें हो गई कि ये कोलबर्ग की ग्लोबल स्टेज थ्योरी और पियाजे की स्टेज थ्योरी से डिफरेंट है, वहां स्टेज थ्योरी की बात की गई है और यहाँ पे वहां स्टेज थ्योरी और सक्सेसिव स्टेजेस की बात की गई है, जबकि यहाँ पे पैरेलल स्टेजेस की बात की गई है। ट्यूरियल कहते हैं कि बच्चा पैरेलली डेवलप करता है मोरालिटी, कन्वेंशन और साइकोलॉजिकल, है ना, और वो कंसेप्ट में अंतर भी समझता है, और मोरालिटी में जस्टिस, फेयरनेस, वेलबींग इन कंसर्न्स की बात हो रही है, और इंट्रिंसिक इंटरपर्सनल कॉन्सिक्वेंस जहां होगा वहां मोरालिटी का कंसेप्ट आएगा और वो रूल बदला नहीं जाएगा और वहां अथॉरिटी की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो आई होप कि आप ट्यूरियल के मॉरल डेवलपमेंट के सिद्धांत से परिचित हो गए और आपको समझ में आया होगा, और बहुत बहुत छोटा है बट बड़ा इंटरेस्टिंग है, मुझे तो अच्छा लगता है। ओके, done.